देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है, राम बोट 1608 रुपीज 3.75 अ डजन, ही सोल्ड 900 ऑफ देम एट 2.4 रुपीज 1 एंड रिमेनिंग 5 फॉर रुपीज 2, इस परसेंट ऑफ गेन और लॉस, मतलब उसे कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम उसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 16 की निकालनी है, सो यहाँ पर 1600 मल्टीप्लाई बाय 3.75 डिवाइड बाय 12 कर देंगे, सो यहाँ पर इसकी कॉस्ट प्राइस निकल के आती है 500 रुपीज, ठीक है, क्योंकि एक डजन में 12 पीसेस आते हैं। सो यहाँ पर देख लीजिए सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 900 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाय 700 इज इक्वल टू, इसकी सेलिंग प्राइस निकल के आती है 730। सो इसे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 730 माइनस 500 कर देंगे, सो 230 का इसे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, सो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा, सो 230 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितने है 500 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, यहाँ पे 20 से 20 काट देंगे, सो 230 डिवाइड बाय 5 कर देंगे, सो 46% जो है वो उसको प्रॉफिट हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी।